बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री बड़ी दुविधा में हैं। क्या करें, जनसेवक रहें, योगी रहें या चौकीदार घोषित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा प्रमुख मायावती के ट्वीट के जवाब में कहा कि मायावती जी के को कष्ट को वो समझते हैं। जिस प्रकार उनके शासनकाल में प्रदेश के संसाधनों पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान हुए थे, आज जब उन्हें रोका गया तो चौकीदार के चौकन्ने होने से उन्हें कष्ट हो गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए पूरे देश के अंदर चौकीदार की धूम मची है। चौकीदार चौकन्ना होगा तो चोर सशंकित जरूर होगा। स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त, हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक अपने आप में एक चौकीदार है। एक योगी के नाते धर्म और समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति चौकीदारी का निर्वहन हम लोग करते रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के प्रति उसी प्रकार से चौकन्ना रह करके उसकी चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम सबके चौकन्ना रहने से, चाहे वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर इस देश का वह हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सचेत होकर के, चौकन्ना होकर के देश की और समाज की अमूल्य सेवा कर रहा है, वह हर व्यक्ति के चौकन्ना रहने से सबसे संकेत चोर हैं। वे चोर जो देश और प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डालते थे, लूट खसोट करते थे, स्वाभाविक रूप से उनको कष्ट अवश्य हो रहा होगा कि उनके लूट खसोट के, उनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे एक एक करके बाहर लाए गए और उनके लूट खसोट को पूरी तरह सख्ती के साथ रोका गया है। मैं मायावती जी की इस कष्ट को समझ सकता हूं, पूरा प्रदेशवासी भी इस कष्ट को समझ सकता है कि उनके शासनकाल में प्रदेश के संसाधनों पर जिस प्रकार से लूट खसोट और भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए थे, आज जब उन्हें रोका गया है तो चौकीदार के चौकन्ना होने से उन्हें कष्ट होगा ही। और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर हर कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त नागरिक के चौकन्ना होने से देश के संसाधनों को, प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले चोरों को कष्ट अवश्य हो रहा होगा।